3 से 4 हफ्तों के बाद दोस्तों मैं अभी मास्टर केज में आया। मैंने कहा यार देख लेते हैं यहाँ पर भी, वो 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं मैं मास्टर केज के अंदर आया ही नहीं हूँ। तब से मैंने ये जाली लगाई है ना, तब से मैं अंदर घुसा भी नहीं, मैंने देखे तक नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने कहा मास्टर केज में चलते हैं यार, एक्टिविटी देख लेते हैं हमारे के अंदर भी, क्योंकि यहाँ भी हमारे बंदे हैं। तो अभी सारे बर्ड हमारे ठीक हैं, ठीक है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो देखें ऊपर सारे बैठे हुए हैं, कॉकटेल भी है हमारा बैठा हुआ और बाकी हमारे ना सारे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के हालात बड़े बुरे हैं, सफाई भी होने वाली है और ये देखें ना इनका झूला भी टूटा हुआ है, ये देखें, और वो उसके नीचे पड़ा हुआ झूला है ना, ये देखें ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। और उस दिन दोस्तों मैंने ये डोली उतारी थी वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चे मार गए थे, चिड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो ये मैंने उतार दिया था और बच्चे उठा के बाहर फेंक दिए थे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनके झूला लगा लेता हूँ ना और डोली लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बगैर ना बड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। झूला भी मैंने लगा दिया और वो सामने वाली डोली भी लगा दी है, देखें अब झूले से ना कुछ बेटर लग रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना जहाँ पे बैठते हैं और झूला हिलता है ना तो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। तो आज दोस्तों मैंने इनकी मिट्टियाँ भी चेक करनी है, क्योंकि दोस्तों पता था आपको कि पहले 9 बच्चे थे, 9 के 9 मर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने चेक ही नहीं किया। तो अभी चेक करना कि यार क्या सीन है, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था यार हमारे सेटअप को, यहाँ पर सारे बच्चे मर गए थे। तो अभी बारी बारी चेक करते हैं कि यार कोई और अंडे या कोई और बच्चे हैं हमारे सेटअप पर आए हैं कि नहीं है, ठीक है। आज सारी डोली चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस मटकी के अंदर से, कॉकटेल की मटकी से। यहाँ पर दोस्तों नेस्ट बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, खाली है, ये भी खाली है। ओए माशाल्लाह, ओए इधर एक बच्चा रह गया, ओए माशाल्लाह यार इधर दोस्तों एक बच्चा है, आई थिंक यार ये वो पहले वाले बच्चा है जो सारे मर गए थे ना, मुझे था ये एक मटकी में एक बच्चा है। हाँ सर याद आया कि हमारे ना इस मटकी के अंदर 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 कौन से थे, हमारे पैरेंट मार गए थे, मार दिए थे, उठा के हमने बाहर यहाँ से उठाए थे, ठीक है, और एक रह गया था, आई थिंक ये वही बच्चा है, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ में भी है, काफ़ी बड़ा हो चुका है माशाल्लाह, देखिए येलो कलर का है, चलो यार ये अच्छी बात है। और यहाँ पर अभी फिलहाल दोस्तों कोई चीज़ नहीं है, खाली है, यहाँ पर भी खाली है, और ये दोस्तों अभी हमने अभी लगाई है, ठीक है। तो मतलब हमारे सेटअप पर दोबारा अंडे नहीं है, लेकिन हमारे सेटअप पर एक बच्चा मौजूद है, ठीक है दोस्तों। चलो एक बच्चे से मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, चलो एक तो है ना, अब कोई नहीं, बाद में फिर ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं फिर क्या सीन होता है। अभी इनको देख छोड़ देते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, ये खेलते रहे, मस्ती करते रहे और झूले लेते रहे, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज तकरीबन ना 3 दिन के बाद धूप भी निकली है, कल बहुत तेज़ धूप थी लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी था। दोस्तों आज से 3 दिन हो चुके हैं कि मैंने अपने कौन से परिंदे हैं ना उनको देखा तक नहीं था। रात को आता था, रात को आपको पता कितना कोई बंदा देखता है, रात को बहुत टाइम हो जाता था। और दोस्तों 3 दिन से ना हमारे परिंदों को किसी ने खोला भी नहीं है, दाना तो बड़े दूर की बात है, सुबह सुबह फोन दाना डाल के ना बस चला जाता था और उसके बाद रात को आता था, इसलिए मैं खोल नहीं पाता था। तो मतलब कि 3 दिन हो गए हैं हमारे मुर्गे, हमारे कबूतर सेटअप के अंदर बंद होकर रह गए और इतने उदास हुए हुए हैं ना, ये देखे ना हमारे कबूतर यहाँ बैठे हुए, देखे कितने उदास लग रहे हैं, और हमारे मुर्गे देखे कितने उदास उदास लग रहे हैं, और ना बड़े ऊपर आते सारे ना ये हड़बड़ी में शुरू हो जाते हैं कि यार हमें निकालो, हमें निकालो, हमें निकालो। यार दोस्तों मेरे परिंदे ऐसे हैं ना, जैसे मैं छत पे आता हूँ ना तो इनको पता चल जाता है हमारा मालिक छत पे आ गया और हमें अभी निकालेगा, और ये ना खुश हो जाते हैं, इतना खुश होते हैं ना कि हमें भी निकालेगा, हमें भी निकालेगा, हमें भी निकालेगा, तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आज धूप भी अच्छी है, इतने दिनों बाद धूप निकली है, वरना 2 दिन ठंडी थी यार बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं किसी को निकाल भी नहीं पाया, मजबूरी थी, लेकिन ठीक है आज हम अपने मुर्गों के निकालते हैं, कबूतरों के निकालते हैं, आप देखिएगा कितने खुश होते हैं। लेकिन क्या करना है, पहले मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लूँ, मतलब कि यार हम सबको इकट्ठा खोल नहीं सकते, एक ना 2 हमारे बंदे रहने ही रहने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको खोलते हैं और हमारे शेरू को खोलते हैं, क्योंकि यार जब ये लड़ेंगे ना आपस में तब ही हम पकड़ पाएंगे, वरना क्या होता है पकड़े जाते नहीं। जब यहाँ पर मखलूक होंगे थोड़ा पकड़ लूँगा और एक को मैं वहाँ पर पिंजरे में इधर कर यहाँ पर बंद कर दूँगा ताकि यार ये धूपे रहे, और दूसरा खुला रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लड़ता नहीं है, फिर सबको इकट्ठे खोल देंगे और फिर इसका भी अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं ना इन सबको निकालता हूँ, ठीक है, अभी इसको फिर मैं यहाँ पर बंद कर दूँगा और फिर मैं सबको निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखे दोस्तों अब बबलू को निकाला, माशाल्लाह देखे कितना खुश हो रहा है, कितनी मस्तियाँ करता है माशाल्लाह से, देखें
फौरन धूप पे गया, क्योंकि दो दिन हो गए हैं दोस्तों, तीन दिन हो गए हैं धूप पर लगी नहीं है, जरा सी भी धूप लगी नहीं है। अभी बस मुर्गे सामने देखे हैं ना, तो इसलिए हो रहा है, वो गुस्से में देख रहे हैं कि भाई उसे निकाल दिया, हमें नहीं निकाला। लेकिन उसकी हालत भी बड़ी ख़राब हो गई किंग की, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाऊंगा हम उसको, मैं दिखाता हूँ। अभी माशाल्लाह से इसको थोड़ा ना रेस्ट मिलने दें, थोड़ा फ्री होने दें, फिर हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हम शेरू को भी खोल लेते हैं यार, ये भाई रहेगा तब भी यार हमारा बबलू भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। आ जाओ शेरू साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी भी आदत है खुशी चेक करना और इसकी मस्तियाँ चेक करना। ये दोनों ना अब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, निकलते सारे इनका एक ही काम होता है कि लड़ना 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 लड़ना, और इनका कोई अच्छा काम नहीं है, सिर्फ अब इनका एक ही काम रह गया, सिर्फ आपस में लड़ाई, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम बबलू को पकड़ते हैं, ठीक है, ये ऐसे होंगे ना, फिर मैं उसको पकड़ लूँगा। देखिए लड़ने के पोज में आ गए हैं, अभी ये इनको मैं पकड़ूंगा बबलू को, और फिर मैं वहाँ पर बंद कर दूँगा, ठीक है दोस्तों, और बाकी फिर ये हमारा यहाँ पर फिरता रहेगा, ठीक है। अभी दोस्तों बबलू को मैंने ना यहाँ पर बंद कर दिया, देखिए ना इसका फेस चेक धुलाया, मैं आपको ना अच्छे से दिखाता हूँ, अभी डरता है मुझसे, देखे ना इसका फेस धुलाया माशाल्लाह से, कितना प्यारा प्यारा हो गया फेस इसका माशाल्लाह से। अभी यहाँ पर रहेगा, यहाँ फिरता रहे, और हमने कौन सा ना शेरू है ना, इसका भी देखना फेस से धुलाया, कितना रेड रेड फेस हुआ है, तो अब यहाँ पर ये फिरते रहेंगे। अभी हम अपने पिकाचू को भी खोलते हैं, चलो पिकाचू तुम भी बाहर आ जाओ, ये तो हमारा लाडला है यार, ये तुम्हारा लाडला है। लेकिन यार ये बड़ा नहीं हो रहा, पत्नी इसको क्या मसला, बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन इसका भी कोई करते हैं, इसके लिए हम दोस्तों कीड़े बनाते हैं, जो इसकी ना असल खुराक है ना वो उसके लिए बनाते हैं, ताकि यार जल्दी ये अपनी ग्रोथ करेगा, ठीक है। अभी यार ये अपनी ग्रोथ कर ही नहीं रहा, ठीक है, बहुत कम से ना ग्रोथ की हुई है। अब से ना मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कीड़े बनाऊँ स्पेशली इसके लिए, और उसको ना ऐसी ऐसी फूड खिलाऊँ जिससे यार ये ग्रोथ करे, थोड़ा ना सेहतमंद हो, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अभी हम अपने खोलते हैं यार, कबूतर भी खोल लेते हैं यार, कबूतर भी काफ़ी दिन से बंद है, ये भी थोड़े खुश हो लेंगे। चलो जी तुम लोग भी निकलो बाहर, आजो आजो, ये देखिए कबूतर हमारे यार, इनको तो कोई बिल्कुल टाइम ही नहीं है इनको हमारे देने, यकीन करो ऐसे मसरूफियात बन गई है, पैर की तरफ ध्यान जाते ही नहीं है। अभी इन सबको ना बाहर निकालते हैं यार, ताकि यार थोड़ी धूप वगैरह लगवा लेंगे। चले गए सारे भाई, हाँ अच्छी चले गए, फ्री वाइट और पीछे वाले। अभी यहाँ पर यार दोस्तों ये धूप लगवाएंगे, फिरते रहेंगे, दाना वगैरह पूरे सेटअप पर पड़ा हुआ, तो मिनट फिरते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो अच्छा हो जाएगा सारा दाना यहाँ से ना उठा लेंगे, ठीक है। हमारा शेरू वहाँ पर खुला हुआ है, बबलू हमारा यहाँ पर बंद है, और अभी ज़रा हम ना उनको भी खोल लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा किंग ना वो वैसे जैसे बना नहीं, तो उसमें नाम नहीं याद आ रहा यार, वो बाहर के मुर्गे हैं, उनकी गर्दन में नड होती है, फुल बाल होते ही नहीं है, वैसे बना हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ यार उसकी हालात चेक करना आप, इसके कैसा था और कैसा हो चुका है। निकलो ज़रा बाहर और अपनी ज़रा से तस्वीर दिखाओ, ये देखें इसके हालात चेक करें, इसके हालात देखें आप, बाकी बातें छोड़ दें आप, बस ना इसकी हालात चेक करें, इसकी हालत हुई कैसे पड़ी है। ये देखें गर्दन का एक पैर नहीं है इसके, लेकिन ये अच्छी बात है कि यार दुम इसकी पूरी है, गर्दन चलो बाद में निकल ही आएगी, लेकिन इसकी दुम कौन सी है वो शुक्र है वो ख़राब नहीं हुई, वो ठीक ही ठीक है। और अब लड़ना नहीं है, तुम लोग इधर ज़रा आ जाओ, ठीक है, इधर निकलो, ठीक है। गर्दन इसकी चलो ख़राब हो चुकी है, वो आ जाएगी, लेकिन शुक्र है इसकी दुम नहीं ख़राब हुई। दुम दोस्तों बहुत मुश्किल से आती है और बहुत ज़्यादा ना टाइम लगाती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यार, चलो गर्दन हो गई है, चलो एक नुकसान तो हो ही हुआ, चलो दूसरा नहीं है, पूछ ख़राब नहीं हुई, ठीक है। अभी इनके काम देखो यार, ये देख वो नहीं अभी लगता, ये उसकी माँ है ना, फिर माँ माँ ही होती है। तो अभी दोस्तों अभी तक हमारी ये वाली मुर्गी कौन सी ना अभी तक क्रुक हुई नहीं है, अंडे पे अंडे देती जा रही है, तो शुक्र है। ये अच्छी बात है कि यार हमने कौन सी दूसरी मुर्गी ला कर अंडों पर बिठा दी है, तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हुई है। अभी देखना अंदर भी हालात इसने ख़राब बड़े किए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए अभी अभी तक इसके कोई हालात नहीं लग रहे, और हमारी दूसरी मुर्गी भी अभी अंडे नहीं दे रही, तो इन्हें बहुत जल्द अंडे देंगी, ठीक है। पत्नी अब कब देंगी ये अंडे, ट्राई पूरी है कि यार जल्दी जल्दी अंडे स्टार्ट करें यार, फिर इनके बच्चे। इस मुर्गी खास तौर पर मैंने अंडे लेने हैं, क्योंकि दोस्तों जब से ये हमारे सेटअप पर आई है ना, हमने इसकी ब्रीड नहीं ली, ब्रीड ली है मतलब इसके बच्चे मर जाते हैं, हमसे पला नहीं है, तो ये बहुत मेरे लिए रेयर है यार, ठीक है। बड़ी ख़ास नस्ल की है, और ख़ास चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से बनती हैं यार, ठीक है। तो ये भी अभी ना हमारे लिए पास ना बन नहीं रही, तो कुछ करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से ना अब हमने खोल लेना सारे पिंड, देखो कितने खुश हो रहे हैं सारे अपनी अपनी मस्तियों में, कि यार ठीक है हमें खोला है इन्होंने, तो इतने खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से। कबूतर भी हमारे डर नहीं रहे, ठीक है, फिरते जा रहे हैं भाई, आज कोई डर नहीं है फिर रहे, तो पिकाचू हमारा वहीं पे गुस्सा आता है माशाल्लाह, सारे खुश हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ना हम अपने ना बहादुर को भी निकाल देंगे, क्योंकि उसका भी कुछ हक है यार निकलने का, उसको फेस धुलाएंगे और उसको भी बाहर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अपनी मुर्गी को भी चेक कर लेते हैं यार, जो हमने अंडों पर बिठाई है, जिसके
क्या सूरत हाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी मुर्गी बैठी हुई है माशाल्लाह से। ये देखें मुर्गी ने दोस्तों अच्छी तरह से अंडे हैच किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत जल्द ये बच्चे भी निकालेगी। आज दोस्तों तारीख हो गई है 29, हम पता 18-19 को बच्चे निकालने हैं, तो बड़ी स्पीड से दिन गुजर रहे हैं, तो इंशाल्लाह तआला निकालेगी। अभी इसको रेस्ट मारने देते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं जब भी अपने परिंदे निकालता हूँ ना, तो मेरे परिंदे मुझे देख के ना बड़े खुश हो जाते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपके परिंदे भी ऐसे ही हैं, कितने आप अपने परिंदों के साथ अटैच हैं, कि आप जैसे ही अपने परिंदे के पास जाते हैं परिंदे खुश हो जाते हैं कि यार अभी हमारा मालिक हमें निकालेगा, अभी हमें दाना वगैरह डालेगा। क्या वो भी ऐसे खुश होते हैं ना, मेरे भी खुश होते हैं, मेरे ना आस पास सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई इधर और कुछ इधर इकट्ठे हो जाते हैं कि मुझे दाना डालेगा, और जैसे मैं ऊपर आता हूँ समझ लगता है मुझे निकालना है। क्या आपके परिंदे भी ऐसे करते हैं कि यार अभी हमारा मालिक आ गया हमें निकालेगा हमें दाना वगैरह डालेगा, खुश होते हैं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताना है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शेयर में जाती हूँ और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो भेजूँ आसानी आप तक पहुँची रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।